सो हे गाइस एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी M21 के बारे में। इस फोन के बारे में लॉन्च डेट तो कंफर्म हो ही चुकी है और साथ में स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म होकर निकल के आ चुके हैं हमारे पास, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में प्राइजिंग भी इस फोन की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आज की इस वीडियो में बने रहिए, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसी नए गैलेक्सी M21 के डिस्प्ले और उसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो डिस्प्ले की बात कर लें तो डिस्प्ले आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इन्फिनिटी यू शेप के साथ में ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। FHD का रेजोल्यूशन इस डिस्प्ले पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो डिस्प्ले के कलर्स और पिक्सल्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस फोन पर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। हम बात करते हैं इस फोन की डिजाइन से। तो डिजाइन जो इस फोन की आपको देखने को मिलने वाली है, वो गैलेक्सी M30S जैसी ही देखने को मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रियल साइड पर देखने को मिल जाएगा। पॉलीकार्बोनेट की इस फोन पर आपको बॉडी देखने को मिलेगी। साथ में बैक साइड पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन पर देखने को मिलने वाला है और साथ में सैमसंग का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग की तरफ से डिजाइन और उसकी डिस्प्ले आपको अच्छी देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं इस फोन के कैमराज की। तो कैमराज इस फोन पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, वो रियल साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइमरी कैमरा सेंसर इस फोन पर आपको देखने को मिलेगा, वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा विद सैमसंग की GW1 लेंस के साथ में। सेकेंडरी कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। थर्ड कैमरा आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। और हम बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की, कौन सा आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जो प्रोसेसर इस फोन पर आपको देखने को मिलेगा, वो एक्जिनोस की तरफ से आने वाला है। एक्जिनोस का 9611 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी डिवाइसेस में आप सैमसंग के देख चुके हैं कि एक्जिनोस का 9611 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। तो अच्छी खासी आपको इस फोन पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आप इस फोन पर गेमिंग कर पाएंगे। हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो बैटरी जो इस फोन पर आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपको अच्छी बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में 15 वाट का आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलने वाला है इस फोन पर और साथ में डेडिकेटेड माइक्रो स्टिकर का स्लॉट भी देखने को मिलेगा इस फोन पर। और एंड्रॉइड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन पर देखने को मिलने वाला है और 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है इस फोन पर। हम बात करते हैं इस फोन के रैम वेरियंट की। तो रैम वेरियंट, दो रैम वेरियंट के साथ में ये फोन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बेस्ट वेरियंट होगा 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। सेकेंडरी रैम वेरियंट आपको 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिल सकता है। और साथ में हम बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो इस फोन की जो मेन चीज है, इस फोन की प्राइसिंग, जो प्राइसिंग आपको इस फोन की देखने को मिलेगी, वो आपको वेस्ट वेरिएंट के साथ में 12000 के आसपास लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है देखने को मिल सकता है। अगर इस प्राइस सेगमेंट पर सैमसंग का गैलेक्सी M21 लॉन्च हो जाता है इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ में, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इस फोन की स्पेसिफिकेशंस आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है सैमसंग की तरफ से। देखते हैं इस फोन की प्राइसिंग क्या रखी जाती है। 16 मार्च को आपको फाइनली फोन इंडिया पर देखने को मिलने वाला है। इसकी लॉन्च डेट 16 मार्च आपको देखने को मिल जाएगी। तो फोन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है सैमसंग की तरफ से, बस इसकी प्राइसिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाए। तो इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये फोन लॉन्च हो, जो कि मैंने लॉन्च से पहले ही आपको फुल स्पेसिफिकेशंस इस फोन की बता दी हैं। तो इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये फोन लॉन्च होगा 16 मार्च को। सो वीडियो में कुछ इतना ही बताना था। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।